बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य और भव्य राम मंदिर का दर्शन करके। यह सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, जबकि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का आरंभ हुआ है। जय जय श्री राम। क्या कहेंगे 500 वर्ष का लंबा संघर्ष आराम भक्त हमारी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी 7-8 पीढ़ियाँ जो है इस मंदिर के सपने को देखने के लिए उन अपने प्राण त्याग दे दिए। हम भाग्यशाली हैं, प्रभु श्री राम ने हमें वो सौभाग्य दिया है कि आज हम प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। भाई जन्मों के जो प्यास थे वो बुझ गए हैं, सदियों का जो प्यास था वो बुझ गया है। रामलला के दर्शन में अंदर बहुत भीड़ है, भीड़ को भीड़ ना कह के श्रद्धालुओं का जत्था बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पूरे भारतवर्ष से और पूरे दुनिया से जो लोग आए हैं उनकी श्रद्धा देखते हुए बनती है। जो हमारा हम हिंदुओं का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है, वो कल पूरा हुआ है। और दर्शन के लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमानगढ़ी में ही खड़े हैं, मैं भी हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे, अभी हनुमानगढ़ी में भी भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। मनीष अग्रवाल, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रामलला के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि एकदम साक्षात भगवान खड़े हैं। प्रतिमा से आप बात कर सकते हो, इतना प्यारा चेहरा है, इतना प्यारा मुस्कुराहट है, इतना बढ़िया श्रृंगार है, मंदिर की व्यवस्था इतनी बढ़िया, सब बहुत अच्छा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा ही है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उत्साह भी लोगों में ज़्यादा है, तो वो तो रहना भी चाहिए। मेरे रामलला का दर्शन करने से मेरे मन्नत पूरी हो गई है। रामलला का दर्शन करना ही मात्र मेरा, तुम लोगों का यही था कि मंदिर बन जाए। रामलला आज दर्शन जरूर दे देना। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे 5 मिनट घड़ी देख के लगा और मुझे अंदर जाने मिल गया और दर्शन हो गए मेरे।